तो हम बात करते हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम के ऊपर। मेरे पास यहाँ पे दिख रहे हैं नेम है और आप देख पा रहे हैं मेरे पास यहाँ पे मंथ है और यहाँ मेरे पास कुछ फिगर है। अब मैं यहाँ पे मंथ नेम और मंथ डालता हूँ तो यहाँ पे डेटा लुकअप हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे रवि का डेटा डाला और फिर मैंने यहाँ पे मान लीजिए अप्रैल का डेटा डाला या फिर फैब का डेटा डाला, एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आप देख पा रहे हैं कि अप्रैल फैब में रवि का 59 है आ गया। आप बोल रहे हैं इसके लिए मैंने वीलुकअप मैच का फॉर्मूला लगाया होगा? जी नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमने इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो क्या है कैसे हुआ, चलिए इसी चीज के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं। हालांकि ये जो तरीका है उतना कारगर नहीं है, फिर भी हम आपको इस पे बताते हैं कि कैसे ये काम करता है। सबसे पहले हम बात जानते हैं कि यहाँ हमने 85, 65, 95 और 100 दे दिया। सेम उसी तरह से यहाँ पे 90, 63, 45, 78 कर दिया, राइट? अब मान लीजिए कि मैंने ले लिया रेंज आई से लेके L2 और स्पेस दे दिया, फिर L2 से लेके हम L6। तो जहां पे ये दोनों मतलब कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दिख रहा है ना आपको, जहां पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्रॉस हो रहा है ना, वो रिजल्ट यहाँ शो करेगा, मतलब कि जो 100 है 100 शो करेगा। जैसे जनरली हम यहाँ पे मान लीजिए कि हमने ए ले लिया और यहाँ पे 95 ले लिया, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है, नल आएगा ना, राइट? लेकिन जब आप जब इस तरह करते हैं, जब दोनों दोनों के बीच में जो आपका रेफरेंस क्रॉस करता है, जहां पे दोनों मिलता है, वो कॉर्नर पॉइंट शो होता है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया आपको ये चीज चिंटू जी, प्रशंसा जी? यस सर। हाँ सर, हाँ सर। अब इसी मेथड का यहाँ इस्तेमाल किया गया। तो सबसे पहले इसने क्या किया, एक एरिया को सेलेक्ट किया। एरिया को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट F3 किया। कंट्रोल शिफ्ट F3 मतलब एक क्रिएट नेम फॉर्म सिलेक्टेड होता है, इसको बोला जाता है। ठीक है, क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन, क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन। इसमें मैंने बोल दिया टॉप रो, मैंने नाम क्या होना चाहिए, तो हमने बोला टॉप रो और लेफ्ट कॉलर, टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलर। अब जैसे आप ओके करते हैं, ओके करने के बाद आप फॉर्मूला बार के डिफाइन नेम में जाते हैं तो नेम बना दे। अब डिफाइन नेम समझते नहीं क्या होता है चिंटू जी, सुरेश जी एंड प्रशंसा जी? डिफाइन नेम यस पता सर। है क्या होता है? ठीक हाँ, वो पर्टिकुलर है, तो कॉलम आप को देख पा या रहे इसको हैं दिया सबसे है। पहले इसने यहाँ पे देखिए जैन का दिया, तो जैन में क्या दिया, B2 से B6, B2 से यस B6 दिया ना। ऐसी फैब यस सर। का इसने यहाँ पे C2 से C6। तो ये क्या हुआ कि आपको मैनुअली एक एक करना पड़ता, लेकिन जब आप कंट्रोल शिफ्ट F3, कंट्रोल शिफ्ट F3 दबाते हैं, तो क्या होता है कि आपके कॉलम के जो हेडिंग है और जो आपके रो के हेडिंग है, उनके नाम से डिफाइन नेम बन जाता है। ठीक है, यहां भी देखिए पूजा का, देखिए इसने पूजा है क्या है, B2 से E2, B2 से E2, यहां से शुरू किया है और यहां तक ले गया। तो ये टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, और जो आपके जो स्टार्टिंग के रो एंड कॉलन है उसके हिसाब से अलग अलग डिफाइन नेम कर दे रहा है। क्लियर है प्रशंसा जी? क्लियर, समझ में आया आपको? हेलो, यस सर, यस सर। अब चलिए इसमें, अब इसका क्या है कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया और यहाँ मैंने मंथ डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए डाला मोहन और यहाँ पे डाल दिया मार्च, ऊपर में मार्च। अब मोहन नाम से भी डिफाइन नेम है, आप देखेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वल मोहन, यहाँ पे इक्वल करता हूँ, इक्वल मोहन स्पेस, हमने यहाँ पे मार्च कर दिया, तो डेटा आपका 20 आ गया। क्योंकि यस सर, जो मोहन का मार्च डेटा है वो मोहन इस तरह ट्वेंटी का है है।
और जो मार्च का है इस तरह का डेटा है, ये पूरा लिया ना। अब मोहन और मार्च में कहां कंबाइन हो रहा है, यहाँ D3 पे हो रहा है ना कंबाइन। यस सर। तो D3 शो कर दिया, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ बताया था कि अगर आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो चीज देते हैं, मैं कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पे, और जो यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, अब जरूरी नहीं कि यहीं से शुरू हो, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, लेकिन जब आप दो रेफरेंस एक साथ स्पेस दे करते हैं स्पेस, तो यहाँ पे क्या आएगा 100 आएगा, क्योंकि रो एंड कॉलम 100 पे ही पे मिल रहा है ना, समझे? यस सर। यहाँ मिल रहा है, तो सेम इसी तरह से आपने क्या कर दिया, मोहन और मार्स, तो मोहन और मार्स यहाँ 20 में मिल रहा है तो यहाँ पे आ रहा है। तो मोहन और मार्स तो मैंने यहाँ पे मैन्युअली लिख दिया है ना, इससे तो कोई इससे और आपका इससे कोई लिंक तो है नहीं, तो इसके लिए हम इनडायरेक्ट, क्योंकि हमने बताया था आपको, जैसे कि आपने यहाँ पे इक्वल A1 किया तो A1 को रेफरेंस कर देता है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सम के अंदर में डाल दिया B2 से C2, तो B2 से C2 जो मैंने डाला यहाँ पे टोटल आ गया। लेकिन अगर B2 और सेमी कॉलन C2 डाला हुआ है, अब मैं क्या चाहता हूं कि सम के अंदर में B2 C2 जो है रेफरेंस ले ले, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि सम इसको एक टेक्स्ट मांग रहा है। तो यहीं पे हमारा इनडायरेक्ट फॉर्मूला वर्क करता है, क्या करता है, इनडायरेक्ट फॉर्मूला इसको कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि आप इक्वल A1 लिखते हैं तो रिजल्ट आपका नेम आ जा रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे A1 कर दिया, अब चाहता हूं कि जो A1 यहाँ पे लिखा हुआ है उसके रेफरेंस का डेटा शो कर दे, तो उसके लिए आपको इसको इनडायरेक्ट के अंदर डालना होगा। तो सेम थिंग जो मार्च है या जो मोहन है, ये जो नाम दिए हुए हैं ये तो टेक्स्ट है ना, डिफाइन नेम में जो नाम है इस चीज का कोई लिंक तो है नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला इनडायरेक्ट मोहन और स्पेस वापस इनडायरेक्ट जो है आपको मार्च कर दिए एंड एंटर प्रेस कर दिए, रिजल्ट आपके सामने आ गया। आगे ना सर, मैं चेंज करता हूँ, मैं यहाँ रवि करता हूँ तो रवि का आ गया, मैं यहाँ पे मार्च के जगह पे अप्रैल करता हूँ तो यहाँ अप्रैल का आ गया। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी प्रॉब्लम के बारे में जान लेते हैं। देखिए यूट्यूब पे या फिर कहीं और जगहों पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, ट्रिकी एग्जाम्पल है तो फंटास्टिक है, बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो सिर्फ आपको इफेक्ट समझाता है, उसके साइड इफेक्ट नहीं समझाता है, समझे सर? अब इसका साइड इफेक्ट समझिए क्या है। मान लीजिए कल के डेट में मैं मोहन के जगह पे मैं योगेश कर देता हूं, कर दिया योगेश। अब यहां अगर मैं यहां पे योगेश कर देता हूं तो क्या रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा, नहीं आया ना। मतलब कि मुझे डिफाइन नेम में जाना होगा और यहां जहां पे इंदर था, एक क्या था, मोहन था, मोहन को यहाँ पे एडिट पे जाके इसका नाम योगेश करना पड़ेगा, ठीक है? अब रिजल्ट आ गया, पहली प्रॉब्लम समझ में आ गई। जी समझ में आया प्रॉब्लम? जी सर। दूसरी प्रॉब्लम कि अब डिफाइन नेम कहता है कि मैं एक नाम के दो रेफरेंस नहीं बनाऊंगा, डिफाइन नेम क्या कहता है, एक नाम के दो रेफरेंस नहीं बनेगा। अब वहां पे तो प्रॉब्लम हो गई ना, अगर आपके पास रिपीटेड नेम हुआ तब तो आप डेटा आपका लुकअप नहीं करेगा ना, क्या? यस सर। तो इसको करने का तरीका है कि इसको हम वी लुकअप और मैश से करते हैं। हम यहाँ पे वी लुकअप लगाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, टेबल डेटा को सिलेक्ट करते हैं और जहां कॉलम नंबर है वहां पे हम मैच लगाते हैं, मैच में हम मंथ को सिलेक्ट करते हैं और फिर लुकअप डेटा को सिलेक्ट करते हैं।
एंड कॉमा जीरो कर देते हैं, तो वापस कॉमा जीरो कर देते हैं। अब ये परफेक्ट लुकअप हुआ। कल के डेट में यहाँ अगर डेटा चेंज होता है या रिपीट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डेटा लुकअप किया जा सकता है। समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। यस सर। ये चीज मैंने जो आज बताया, बताने के पर्पस था कि हमारे एक है मॉर्निंग में क्लास लेते हैं, उन्होंने मुझे मेल किया कि सर आपने क्लासेस में मुझे तो बताया ही नहीं ये चीजें, मेथड तो समझाया ही नहीं। तो बात ये आती है, जिस मेथड से हमें बेनिफिट ही नहीं है उस मेथड को हम क्यों बताया? क्योंकि ये जो मेथड है ऑफिस के अंदर में लिमिटेड यूज है, मैं तो बोलता हूँ कि बहुत कम यूज है इसका, बहुत कम यूज है, इसलिए ऐसी चीजों को हम अवॉइड कर देते हैं। दूसरा कंसेप्ट मैंने समझा दिया, यहाँ पे आप कंसेप्ट देख सकते हैं कैसे यूज किया गया है, ठीक है।